22 में आज हमें मुकाबला देखने को मिला था दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों के बीच में। और जैसा कि मुकाबला स्टार्ट होने से पहले ही हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर जाएगी, इसके साथ ही अपने प्लेऑफ्स की उम्मीदों को जिंदा रखेगी, लेकिन बाकी की कुछ टीमों को डुबाने का काम करेगी। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, जहां पर इस मुकाबले में डीसी की जीत के साथ ही काफ़ी तरह से हमें पॉइंट्स टेबल बदलते हुए नजर आई है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही आज होने वाले पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल किस तरीके से बदलेगी, यही सब बातें आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब आज के मुकाबले में। डीसी की टीम की केकेआर के ऊपर इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि बॉटम मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट की जाए तो नंबर 10 की पोजीशन पर मुंबई इंडियंस की टीम आती है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, एक भी मुकाबला ये टीम नहीं जीती है, सारे मैचेस हार चुके हैं, इनके 0 पॉइंट्स हैं, इनका नेट रेट है -1.00 का। और इसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम टाटा आईपीएल से ऑफिशियली बाहर होने वाली पहली आईपीएल टीम बन चुकी है। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर बनी हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। सीएसके की टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार के साथ ही इस टीम के 4 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट चल रहा है -0.538 का। सीएसके की टीम अगर प्लेऑफ में जाना चाहती है तो फिर इनको अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ इनको मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तभी ये प्लेऑफ्स में जा पाएंगे। आज के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर गिरकर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। हालांकि ये पहले भी इसी पोजीशन पर थे, आज इनका 9वां मुकाबला था जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत और 6 मुकाबलों में हार के बाद केकेआर की टीम के सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट अब धीरे धीरे नेगेटिव की साइड आने लगा है, जिसकी वजह से केकेआर की टीम को अब अगर प्लेऑफ में जाना है तो अपने बचे हुए 5ों ही मैचेस इनको जीतने पड़ेंगे, तो ये भी सीएसके वाली हालत में आ चुके हैं। अब गाइस हम पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं मिड की पोजीशंस की। तो आज के मुकाबले के बाद नंबर 7 की पोजीशन पर पंजाब किंग्स की टीम आ चुकी है, जहां पर पंजाब की टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबले में हार के साथ ही पंजाब की टीम के 8 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है -0.419 का। इनसे ऊपर पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 की पोजीशन की अगर बात की जाए तो आज के मुकाबले के बाद यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम आ चुकी है, जिन्होंने 8 मुकाबले में 4 जीत और 4 हार के साथ अब 8 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं, जिसका मतलब है दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बराबर पॉइंट्स हैं। लेकिन क्योंकि डीसी का नेट रन रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पॉजिटिव है, जिसके चलते अब डीसी की टीम हमें पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर नजर आ रही है। इनसे ऊपर नंबर 5 की पोजीशन पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। आरसीबी की टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 4 मुकाबलों में हार के साथ ही आरसीबी की टीम के 10 पॉइंट्स हैं और इस टीम का नेट रन रेट चल रहा है -0.572 का। अब गाइस हम पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं टॉप 4 की पोजीशंस की। तो आज के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 की पोजीशन पर आती है लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ ही लखनऊ की टीम के 10 पॉइंट्स और इनका नेट रन रेट चल रहा है +0.334 का। इनसे ऊपर नंबर 3 पर आज के मुकाबले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बनी हुई है। एसआरएच की टीम ने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत और 3 मुकाबलों में हार के साथ ही इस टीम के 10 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट चल रहा है +0.600 का। इनसे ऊपर नंबर 2 की पोजीशन पर आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबलों में जीत और 2 मुकाबलों में हार के साथ ही आरआर की टीम के 12 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट है +0.561 का। फाइनली गाइस अगर हम बात करें टेबल टॉपर्स की तो यहां पर अभी भी अनडिस्प्यूटेड है गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक ही मैच हारे हैं। कुछ अलग ही लेवल पर ये टीम चल रही है, इनके 14 पॉइंट्स हैं और ऐसा करने वाली ये इकलौती टीम है पूरी पॉइंट्स टेबल में, नेट रन रेट है +0.371 का। अब गाइस अगर बात की जाए आज होने वाले मुकाबले की तो पंजाब और लखनऊ के बीच में मुकाबला होना है। अगर आज के मुकाबले में पीबीकेएस की टीम जीतती है तो फिर काफी अच्छा खासा चांस रहेगा कि ये टीम नंबर 5 पर आ जाएगी। अगर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम आज जीती तो वो नंबर 2 या फिर नंबर 3 पर आएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनका नेट रन रेट कितना बेहतर हुआ है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।